नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। आज हम आपको बता दें, हम आ चुके हैं सुइया पहाड़ पे, जो काफ़ी नामी जगह है। कंवरिया पथ में पड़ने वाला ये वही सुइया पहाड़ है जिसका जिक्र जो है इतिहास से लेकर कंवरियों के जो है जुबान पे आपको सुनने को मिलता है। आप देख रहे हैं हम सुइया पहाड़ के ऊपर हैं और यहाँ पे बहुत सारे कंवरिया बम जो है ऊपर जो है बैठकर चढ़कर फोटो खींचने का काम कर रहे हैं और हवा का जो है इंजॉय कर रहे हैं और सुइया पहाड़ का जो है वो आनंद ले रहे हैं। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बहुत सारे कंवरिया बम हैं जो वहां पे जो है ऊपर चढ़े हुए हैं। और एक चीज़ और आपको हम बढ़िया चीज़ दिखा देना चाहते हैं सुइया पहाड़ के ऊपर से, जो आपने कभी नहीं देखा हुआ। आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बैकग्राउंड में बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है। ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई पोखरा नहीं है, यह एक डैम है। इसको हनुमाना डैम कहते हैं, जो बहुत बड़ा ही डैम है। कम से कम मिलियन टन जो है इसमें पानी जो है आपको सुरक्षित रहता है, खास करके सिंचाई के लिए और पानी के लिए। और बांध भी बना हुआ है, हनुमाना बांध, हनुमाना डैम जो है इसको कहते हैं। हम हैं सुइया पहाड़ पे और आप सभी दर्शकों को सुइया पहाड़ से कंवरिया पथ का नज़ारा दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इस साइड भी बहुत सारे कंवरिया जो है वो बैठे हुए हैं और नीचे जैसा आप देख रहे हैं कंवरिया का जो है कंवरिया पथ दिखाई दे रहा है। कंवरिया जो है एक एक करके जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये वही सुइया पहाड़ है जिसका जिक्र जो है लोग अक्सर करते दिखाई देते हैं और लोगों के जुबान पे सुइया पहाड़ का हमेशा नाम रहता है। ये वही सुइया पहाड़ है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है कंवरिया जो है यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ऊपर इस साइड में भी आप जैसे देख रहे हैं कंवरिया लोग जो है उधर बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे कंवरिया लोग आते हैं, थोड़ा समय के लिए जो है पहाड़ पर चढ़ते हैं और एक अच्छा वक्त जो है वो बिताते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजीव। कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। कैसा लग रहा है कलकत्ता से आप बिहार में आए हैं और बिहार के सुइया पहाड़ पर इंजॉय कर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा नज़ारा है। अच्छा नज़ारा है और पहाड़ से जो डैम का नज़ारा है उसके बारे में क्या? काफ़ी अच्छा है, क्या बताएं हम, अद्भुत है। कैसा लग रहा है आप? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा जी, है। ऐसा कहा जाता है कि सुइया पहाड़ पे सुई वगैरह चुभता है क्या? ऐसा पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। प्रशासन बहुत अच्छा सुविधा किया है, अच्छा रास्ता बना दिया गया है, अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ पे भी हम लोग चढ़े हैं एंजॉय करने के लिए। एंजॉय करने के लिए फोटो खिंचा है, फोटो खींच रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और भी हमारे साथी बम सब है, सबको एंजॉय कर रहा है, सबको एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी अंकिता। कहाँ से आई है? कोलकाता से। कोलकाता से आई है। बिहार में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और सुइया पहाड़ पे आप हैं, फोटो वगैरह एंजॉय हो रहा है? ऑफ कोर्स। देख रहे हैं लड़कियां भी जो है फोटो खिंचवा रही हैं और भी इधर बम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और थोड़ा सा जो है फीडबैक लेंगे। बहुत सारे बम है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसा लग रहा है बम? बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल बाद कितना आने का मौका मिला। जी 2 साल बाद आए हैं? हाँ 2 साल बाद आए हैं। लॉकडाउन था, बंद हो गया था सब। जी, अभी सुइया पहाड़ पे है, कैसा लग रहा है पहाड़ का नज़ारा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है बम आपका? सूरज। सूरज जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। व्यवस्था साफ सफाई? हाँ बहुत ही अच्छा है, पहले से तो बहुत बेहतर है, बढ़िया है। और सामने जो डैम का नज़ारा आप देख रहे हैं, ठंडी हवाएं उधर से आ रही है, और भी खूबसूरत लग रहा है, और भी खूबसूरत बना रहा है। इससे पहले भी आ चुके हैं या नहीं? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम का थोड़ा एक्सपीरियंस है हमारे दर्शकों को बताइए। जो मुझे बोलना था हम बोल दिए, इससे आएगा तो मुझे बोल नहीं सकते। नहीं बोल सकता, यू कहे की शब्द नहीं है। हाँ मेरे पास शब्द ही नहीं वो कुछ बोलने के लिए, क्या बोले। चलिए आइए यहाँ पे कुछ और लोग जो है थोड़ा सा ऊपर बैठे हुए, उनसे भी बात करेंगे और सबसे जो है फीडबैक एक बार लेंगे और सबका अनुभव जो हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है? ठीक है सर। ठीक है जी। तब भाजा वाजा खा रहे हैं? जी सर। जी क्या नाम है भैया? चंदन कुमार, बोधिया से हैं हम लोग। जी हम लोग को बहुत रिलैक्स आता है, हमेशा यहाँ हम लोग आते हैं, यहाँ का मजा आनंद उठाते हैं। उठाता है कहीं ना कहीं जो हनुमान डैम है, उधर से आने वाली शीतल हवाएं जो है शरीर को आनंद प्रदान, हवा के साथ साथ में यहाँ का हम लोग का फोटो खूबसूरत आता है। क्या बात है, क्या बात है। फोटो का लुक बहुत
खूबसूरत आता है। क्या बात है, यहाँ का लुक काफी खूबसूरत आता है, फोटो काफी खूबसूरत आता है, और जो नज़ारा देख रहे हैं पहाड़ पे लोग चढ़े हुए हैं फोटो ले रहे हैं, ये भी खुद में जो है एक अद्भुत नज़ारा जो है वो जो है दिखा रहा है। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे सुइया पहाड़ पे लोग जो है वो अपने टाइम को एक्सपेंड करने के लिए, मनोरंजित होने के लिए जो है वो आते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे भी बम है, उधर भी बम जो है ये बैठे हुए हैं, फोटो वगैरह जो है वो ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुइया पहाड़ जो है सबसे अभी ऊंची चोटी पे आ गए हैं, जो भी जैसा भी पहाड़ है जितना भी ऊँचा है उसके सबसे ऊँची चोटी पर जो है हम हैं, और यहाँ से आप पूरा का पूरा हनुमान डैम को देख सकते हैं। हनुमाना डैम जो है वो आपको नज़ारा जो है हमारे वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा है। अभी बम लोग जो है काफ़ी संख्या में हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, कैसा लग रहा है बम? बहुत अच्छा लग रहा है, तभी तो आदमी आता है, खुशी से आता है। ऐसा सुनने में आया है, मैं भी बचपन से सुनता आया हूँ कि सुइया पहाड़ पे सुई चुभता है, आपको कितना सुई चुभा है? मुझे तो अभी तक कुछ नहीं चुभा है, बस सिर्फ ये नाम का सुइया पहाड़। हाँ, नाम का है, कहीं ना कहीं सुइया पहाड़ नाम सुइया है, लेकिन यहाँ पे फूल झड़ रहे हैं सब बाबा की कृपा से, दादा ले लेते हैं, कोई पता नहीं चलता कि बाबा की सुइया पहाड़ है, ये पहाड़ है। बोल, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और सामने डैम हनुमाना डैम बना हुआ है, इसके हम क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है देखने में, और क्या, मेला भी लगता है, सुनते हैं कहीं ना कहीं इधर से आने वाली ठंडी हवाएं जो है आप लोगों को आनंद, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत अच्छा हवा चल रहा है, मौसम भी बहुत शांतिपूर्वक वाला मौसम है, ठंड वाला मौसम। हाँ, और पहाड़ पे है, कैसा नजारा दिख रहा है? अच्छा लग रहा है पहाड़ पे, अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। हमको 13वां साल आपकी बार है यहाँ आने के लिए बाबा के दरबार में, ये 13 साल से आप लगातार? हाँ, लगातार आ रहे हैं, पर 2 साल लॉकडाउन घुमाते नहीं आ पाया, लेकिन 13 साल हो गया आपकी बार, 13वां साल है हमको यहाँ आते आते बाबा। कैसा लग रहा है बम सुइया पहाड़ पे आके? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठंडे ठंडे हवा लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, पूरा पूरा एक बार बोल दीजिए, बोल बम, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। तो जैसा कि देख रहा है बम लोग काफी खुश है, और इनके अंदर आनंद भी है, जो यहाँ पे भी जो है वहाँ दूर से जो बोल बम का जो है वो लोग नारा दे रहे हैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो हनुमाना डैम है वो अपने अंदर एक इतिहास, अपने अंदर एक खूबसूरत जो है वो सजाई हुई है, लेकिन बात करते हैं इसको टूरिज्म सेक्टर बनाने के क्षेत्र में, तो बिहार सरकार जो है इसमें पिछड़ी हुई है, क्योंकि इतने बड़ा जो है डैम है, लेकिन इतनी सुंदरता है, अगर इसको टूरिज्म सेक्टर के रूप में अगर उभारा जाए तो इस जगह से जो है लाखों करोड़ों की कमाई जो है सरकार कर सकती है, यहाँ के आम नागरिक कर सकते हैं, यहाँ पे व्यवसाय जो है वो शुरू हो सकता है, बाजार शुरू हो सकता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सरकार को इतना बड़ा टूरिज्म सेक्टर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कहीं पे लाठी उठी लेके शराब पकड़ रहे हो, क्योंकि वो शराबबंदी में ज़्यादा बिजी है, लेकिन बात करें खूबसूरती के नज़ारे में तो ये हनुमाना डैम काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत जगह है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप लोगों से, हम जरूर कहना चाहेंगे कि एक बार जो है आप सुइया पहाड़ पे एंजॉय करने जरूर आइएगा, एक बार जो है हनुमाना डैम में स्नान करने जरूर आइएगा, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे तो आप उदास होके नहीं जाएंगे। क्या नाम है बम? सोहित। कहाँ से आए हैं? हम पटना से। पटना से आए, कैसा लग रहा है डैम? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पहाड़ पे नजारा एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, ये पहाड़ का नजारा है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। कैसा लग रहा है बम? अभी आप पेड़ के नीचे हैं, बगल में डैम से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, सुइया पहाड़ पर सोए हैं। सही आ रहा, सही आ रहा, अच्छा लग रहा है, मौसम के हिसाब सही आ रहा। जी जी जी, जी। क्या कहेंगे भैया? बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। तो देख रहे हैं यहाँ पे लोग जो है सुइया पहाड़ के ऊपर जो है ठंडी हवाओं का जो है यहाँ पे बैठ के जो है आनंद ले रहे हैं। कहाँ से हैं बम? पटना से। पटना बोरिंग रोड से है, अभी सुइया पहाड़ पे बैठे हैं, कैसा लग रहा है? बस आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आनंद मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, आनंद का है कारण बाबा करवा रहे हैं, बाबा का आनंद लग रहा है। देख रहे हैं पैर में आज झंडू बम लगा रहे हैं, बम भी है, बम भी लगा रहे हैं, चल नहीं सक रहे हैं। ओके, दर्द हो गया पैर में? मुचक गया। ओहो, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा डॉक्टर से दिखा लीजिए। वैसे सुइया पहाड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, सुइया पहाड़ बढ़िया, पहले से ठीक है, पहले से कुछ आराम है, आराम है, और यहाँ साफ सफाई वगैरह है कि नहीं है?
व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था भी ठीक ही है। व्यवस्था ठीक ठाक है। तो देख रहे हैं ये सुइया पहाड़ है और यहाँ पे जो है बम लोग आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद जो है इंजॉय कर रहे हैं। और आपको मैं ऊपर से नीचे का भी नज़ारा दिखा देना चाहता हूँ। ये सुइया पहाड़ पथ है, मार्केट है, यहाँ से जो है लोग कांवरिया जो है यहाँ आराम करते हैं, विश्राम करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से आगे जो है वो जाते हैं। तो पूरा का पूरा जो है हम सुइया पहाड़ का जो है दृश्य आपको अपने चैनल के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से हम दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो है सुइया पहाड़ है और यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, इधर ये बड़े बड़े पत्थर जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इसको जो है सुइया पहाड़ के नाम से जानता है और इसी की विशेषता जो है वो कहता है अपने घर पे आगे कि सुइया पहाड़ पे गए हुए थे लोग। तो लगता है ऐसा है कि शायद सुई चुभता होगा, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं सुई चुभने जैसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे छोटा छोटा जो है ये एक छोटा सा पहाड़ है बड़े बड़े पत्थरों वाला और बाकी कांवरिया जो है इसी मार्ग से जो है वो होके जो है नीचे जाते हैं। जैसा कि सुइया पहाड़ आप देख रहे हैं, सुइया पहाड़ यही है, लोग इसको जो है सुइया पहाड़ के नाम से जो है वो जानते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो गुफा आपको जो है दिखाई दे रही है और इस गुफा में जो है बम लोग कहीं ना कहीं जो है ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है बम? कृष्णा कुमार। कृष्णा जी, कहाँ से आए हैं आप? जी हम लोग नौबतपुर से, पटना जिला। पटना से आए हैं, कैसा लग रहा है अभी? ये थोड़ा सा गुफा टाइप का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। ये मतलब यहाँ का माहौल ठंडा है? हाँ माहौल ठंडा है, बाहर से अच्छा, बाहर से अच्छा है, जैसे लग रहा है एकदम सुकून का यहाँ पे के सुकून की अनुभूति। हाँ जैसे दुनिया से एक अलग ही ये दुनिया है जी। जैसे लगा कि नहीं यहाँ पे आकर जो चाहिए सुख चैन सब यही है। यही है, जैसा कि हम कैमरामैन दिखा देना चाहते हैं, यहाँ पे महादेव की जो है वो प्रतिमा भी जो है चित्र भी है उसको बनाया गया है ताकि यहाँ पे लोग आके जो है बैठ सके, ध्यान भी लगा सके। क्या नाम है आपका? रीशु कुमार। कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से आए हैं, कैसा लग रहा है सुइया पहाड़ पे बैठ के? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, सुई चुभने जैसे कुछ है पता चला? नहीं कुछ फील नहीं हुआ अभी तक। जी जी, वैसा अभी तो चलने में, चलने में नहीं बैठने में महसूस हो रहा है कि गर रहा है। ओके, बैठने में तकलीफ ज्यादा है आदमी को चलने में। जी क्या तकलीफ क्या है? अब धूप है, कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने का साधन नहीं है, दुकानदार लोग तुरंत भगाइए देते हैं, आराम करने नहीं देते हैं। समझ सकते हैं ये चीज़ है। बाकी आप देख रहे हैं ये पहाड़ का बहुत बड़ा पत्थर जो है ये है, मतलब एक पहाड़ न कह के हम इसे बड़े बड़े पत्थरों का एक समूह कह सकते हैं, लेकिन लोग जो है इसको पहाड़ कह रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है और कांवरिया बम जो है बैठ कर जो है ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं और सुइया पहाड़ पर आने आए हुए हैं तो एक फ़ोटो शूट तो होना ही होना है। तो आप देख रहे हैं कंवरिया लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बम आप लोग देख रहे हैं, बम लोग मस्त बैठे हुए हैं, ठंडी हवाओं का जो है वो आनंद ले रहे हैं क्योंकि सीधा डैम से जो है ठंडी ठंडी हवा आ रही है। क्या नाम है बम आपका? पप्पू गिरी। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर। आप तो बहुत समय से आते होंगे देवघर में? हाँ अब पहली साल है। ये पहला साल है? हाँ। आप पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है पहली बार? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ठंडा हाँ। हवा लग रहा है कि नहीं? बहुत सुंदर है जी। लोग ऐसा कहते थे कि सुइया पहाड़ पे सुई चुभता, आपको सुई चुभा कि नहीं? नहीं नहीं, बहुत आराम है। आराम है ना? हाँ। कहीं ना कहीं आपको आराम है कि नहीं बाबा? ठीक ठीक है। तो ये देख रहे हैं बम लोग जो है बैठे हुए है, कैसा लग रहा है सुइया पहाड़? बोलबम 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 हर हर महादेव। सुइया पहाड़ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ से जी। जी पैदल चलते चलते आ रहे हैं वहाँ से, साथी कांवड़िया भी अभी पीछे हैं जी जी, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और यहाँ नज़ारा बहुत अच्छा है इसलिए यहाँ पे कुछ शांति एक अलग ही अनुभव है, अलग ही अनुभव है। ठंडी हवाएं आ रही है डैम से, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है बाबा की नगरी में जी। जी और हमारे साथी बम बैठे हुए हैं और कुछ आ भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप भी हमारे कैमरे की नज़र से देख रहे हैं
ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका जो है वो चारों तरफ से जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है इस सुइया पहाड़ पे चढ़ के जो है सुकून और अच्छी अनुभूति का जो है वो एहसास हो रहा है, इसीलिए लोग जो है इस पहाड़ पे आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद जो है अपने शरीर को वो आराम दे रहे हैं। तो ये वही सुइया पहाड़ है जिसका जिक्र जो है लोग कांवरिया बम गाँव के लोग जो है वो किया करते हैं कि जब भी वो सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं तो बीच में जो है सुइया पहाड़ पड़ता है और इसी सुइया पहाड़ के बारे में वो बताते रहते हैं और कथाओं में भी आपने जरूर सुना होगा सुइया पहाड़ का। तो दर्शकों ये वही सुइया पहाड़ है जिसका जिक्र लोग किया करते हैं। अब आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारा प्रयास जो है आपको कितना अच्छा लगा, सुइया पहाड़ देखकर आपको कैसा लगा। अगर आप देवघर आ रहे हैं तो अपना सामान और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले, बाकी आप हमें इजाज़त दीजिए। देवघर से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी देखिए। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।